मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में मुसलमान खानदान को कत्ल करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू। सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की समाअत तकरीबन 3 माह तक जारी रहेगी। कनाडा भर में मुस्लिम कम्युनिटी और इंसानी हकूक के आलमबरदारों का इंसाफ का मुतालबा। कनाडा का जकार्ता में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफिस खोलने का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि अमन और सलामती की हिफाजत कर रहे हैं, बहरुल काहिल के दोनों तरफ के लोगों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बना रहे हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ग्रीन बेल्ट अराजी का दोबारा जायजा लेने का ऐलान। फोर्ड का कहना है कि अगर साइट्स अपनी मेरिट पर खड़ी हों तो तरक्की आगे बढ़ेगी। जायजे में ग्रीन बेल्ट के अंदर मौजूद तमाम जमीनों को देखा जाएगा। किम जोंग उन का मुमकिन दौरा रूस। अमरीका की शुमाली कोरिया को तनबी। रूस को असलहा देने पर अमरीका की शुमाली कोरिया को धमकी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अगर रूस को हथियार मुहैया किए तो शुमाली कोरिया को संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का फिर से फेस मास्क पहनने का फैसला। सदर जो बाइडन का पीर को किया गया कोरोना टेस्ट मनफी आया था। अमरीकी सदर लोगों से फासला रखते हुए मास्क हटा देंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada mein musalman khandan ko qatl karne wale shakhs ke khilaf muqaddame ki samaat shuru ho gayi. Mazeed janenge is report mein. कनाडा में मुसलमान खानदान को कत्ल करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू हो गई। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की समाअत तकरीबन 3 माह तक जारी रहेगी। लंदन से तकरीबन 200 किलोमीटर मगरिब में इसके विंडसर मुंतकिल होने की वजूहात अशात पर पाबंदी का अहाता करती हैं। हुकाम का कहना है कि नेथाइल वेल्च मैन ने 2021 में ओंटारियो में जानबूझकर मुसलमान खानदान को निशाना बनाया था। 46 साल सलमान अफजल, उनकी अहलिया 44 साल मदीहा, उनकी 15 साल बेटी यमुना और सलमान की वालदा 74 साल तलत सैर के लिए निकलते हुए पिकअप ट्रक की जद में आकर जा बहक हो गए। जोड़े का 9 साल बेटा शदीद जख्मी हो गया। गैर मुल्की खबर इस इदारे की खबर के मुताबिक टोरंटो से तकरीबन 200 किलोमीटर मगरब में वाकया लंदन में 6 जून 2021 को होने वाले हमले में फर्स्ट डिग्री कत्ल के 4 इल्जाम और इकदामी कत्ल के 1 इल्जाम का सामना करने वाले नेथानियल वेल्च मैन के खिलाफ मंगल को ज्यूरी का इंतखाब शुरू हुआ। कनाडा भर में मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान और इंसानी हकूक के आलमबरदार इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि 2021 में ओंटारियो सूबे में जानबूझकर एक मुस्लिम खानदान को कुचलने के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमे की समाअत शुरू होने वाली है। उस वक्त हुकाम ने कहा था कि इस खानदान को उनके इस्लामी अकीदे की वजह से निशाना बनाया गया और इसके बाद उन्होंने मिलिटमैन पर दहशतगर्दी के जराइम का इल्जाम आयद किया। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम एडुकेसी ग्रुप ने कहा है कि हम इस मुकदमे को करीब से देखेंगे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इंडोनेशिया के दौरे के दौरान ऐलान किया है कि कैनेडा जकार्ता में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफिस खोलेगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इंडोनेशिया के दौरे के दौरान ऐलान किया है कि कैनेडा जकार्ता में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफिस खोलेगा और कैनेडा के कारोबारों को खित्ते में नई मंडियों में दाखिल होने में मदद करने के लिए इंडो पैसिफिक तजारती नुमाइंदे को नामजद किया है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मंगल को इंडोनेशिया में ऐलान किया। कैनेडा की बैन अलावा तजारत की वजीर मैरी एनजी ने जकार्ता में सहाफियों को बताया कि कैनेडा की कंपनियों
और बरामद कुनंदगान के लिए इस खत्ते में तरक्की करना वाकई अहम है, क्योंकि जब वो ऐसा करते हैं तो उससे नई मुलाजमतें पैदा होंगी। एनजी ने कहा कि इस जगह पर नए तजारती नुमाइंदे पाल थोपल की बुनियाद रखी जाएगी। ट्रूडो जुनूब मशरकी एशियाई मुल्क के साथ कनाडा के बढ़ते हुए ताल्लुकात को जारी रखने के अजम के साथ मंगल के अवाल में इंडोनेशिया पहुंचे थे। उनकी पहली तकरीब में से एक सदर जोको विदोदो के साथ उनके महल में सरकारी दौरा था। दोनों रहनुमाओं ने अपनी मुलाकात अपने बढ़ते हुए ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करते हुए गुजारी, जिसे कनाडा इंडो पैसिफिक खित्ते में अपनी सिफारती और तिजारती मौजूदगी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी समझता है। लिबरल हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता नवंबर में जारी की गई इंडो पैसिफिक हिकमत अमली में तिजारती नुमाइंदे का वादा किया गया था। ट्रूडो, जिनके बड़े बेटे जेवियर 15 इस सफर में उनके साथ शामिल हुए, ने ऐलान किया कि हिंद बहरुल काहिल के खित्ते में आने वाले 5 तिजारती मिशन होंगे, जिनमें इंडोनेशिया, फिलिपाइन और वियतनाम के दौरे शामिल हैं। कनाडा साफ पानी और शमसी तवानाई के लिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इंडोनेशिया को 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्जा भी दे रहा है। 2022 में इंडोनेशिया कनाडा का दुनिया भर में 19वां सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर था और जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक में 3रा सबसे बड़ा। दो तरफा तजारत की कुल 6.24 बिलियन डॉलर थी। ट्रूडो ने एक बयान में कहा कि हम यहाँ इंडोनेशिया में जो गर्मजोशी से खुश आमदीद और तामीरी बातचीत कर रहे हैं, जो कनाडा की मजबूत दोस्ती और हिंद बहरुल काहिल के खित्ते के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात का सबूत है। उनका कहना था कि एक साथ मिलकर हम अच्छी मुलाजमतें पैदा कर रहे हैं, अमन और सलामती की हिफाजत कर रहे हैं और बहरुल काहिल के दोनों तरफ के लोगों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बना रहे हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि उनकी हुकूमत दो सूबाई निगरानों की जानिब से किए गए मुतनाज़ा ग्रीन बेल्ट अराजी के तबादले का दोबारा जायजा लेगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि उनकी हुकूमत दो सूबाई निगरानों की जानिब से किए गए मुतनाज़ा ग्रीन बेल्ट अराजी के तबादले का दोबारा जायजा लेगी, जिसमें जल्दी और खामी थी, लेकिन इसरार किया कि अगर साइट्स अपनी मेरिट पर खड़ी हों तो तरक्की आगे बढ़ेगी। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डग फोर्ड ने कहा कि दोबारा तशखीस ग्रीन बेल्ट की तमाम ज़मीनों और तरक्याती दरख्वास्तों के वसी जायजे का हिस्सा होगी। साबका लिबरल हुकूमत ने 2005 में यह हुक्म दिया था कि ग्रीन बेल्ट की ज़मीनों का हर 10 साल बाद जायजा लिया जाए। आखिरी जायजा 2015 में मुकम्मल हुआ, यानी सूबा तकरीबन 2 साल तक टाइमलाइन को आगे बढ़ा रहा है। डग फोर्ड ने कहा, पॉल कैलेंड्रा, जिन्होंने पीर को स्टीव क्लार्क के अहदे से इस्तीफा देने के बाद हाउसिंग मिनिस्टर के किरदार में कदम रखा, एक गैर जानबदार सूबाई जज के साथ जायजे के पैरामीटर्स कायम करेंगे। फोर्ड ने नामा निगारों को बताया कि बड़े जायजे में ग्रीन बेल्ट के अंदर मौजूद तमाम ज़मीनों को देखा जाएगा, ऊपर से नीचे तक मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। डग फोर्ड ने ज़मींदारों और सूबे के दरमियान किसी भी हतमी मुहैदे को अवामी तौर पर जारी करने का भी अहद किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या ज़ेर अल्तवा जायजा में मज़ीद ग्रीन बेल्ट ज़मीन को हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए खोला जा सकता है, फोर्ड ने इसे मुस्तरद नहीं किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि जायजा क्या कहता है और हम इसका तज्जिया करेंगे। ये फैसला वजीर पर मुनहसिर होगा। शुमाली कोरिया की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए रूस को मुजवजा असलहे की फराहमी पर अमरीका ने शुमाली कोरिया को संगीन नतायज की धमकी दे दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के मुमकिन दौरे रूस पर अमरीका ने शुमाली कोरिया को तनबी कर दी। शुमाली कोरिया की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए रूस को मुजवजा असलहे की फराहमी पर अमरीका ने शुमाली कोरिया को संगीन नतायज की धमकी दे दी। व्हाइट हाउस के एक आला अहदेदार ने खबरदार किया कि अगर शुमाली कोरिया ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हथियार मुहैया किए तो उसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने नामा निगारों को बताया कि इस अमल से वो बैनुल अक्वामी बिरादरी में उसकी कीमत अदा करेंगे। इससे पहले अमरीकी अखबार ने किम जोंग उन की रूसी सदर पुतिन से रवाना मुलाकात की खबर दी थी। क्रेमलिन का कहना था कि अमरीकी अखबार की इस रिपोर्ट के बारे में कहने को कुछ नहीं है, जिसमें दावा किया गया कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन मास्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने का इरादा रखते हैं। अमरीकी मीडिया का कहना था कि किम जोंग उन रवा महीने बख्तरबंद ट्रेन में रूस का दौरा करेंगे। दोनों रहनुमा रूस को जदीद हथियारों की सप्लाई से मुतालिक बातचीत करेंगे। अमरीकी अखबार की एक रिपोर्ट में कहा है कि किम जोंग उन और पुतिन की होने वाली मुमकिन मुलाकात में दोनों रहनुमा रूस को आर्टिलरी गोले और एंटी टैंक मिसाइल भेजने पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसके बदले मास्को की जदीद टेक्नोलॉजी, मस्नूई सैयारों और एटमी ताकत से चलने वाली आबदोजों पर बातचीत होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक खातून अव्वल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद सदर जो बाइडन ने घर के अंदर और लोगों से मुलाकात के दौरान एहतियाती तदाबीर के तहत फेस मास्क पहनने का फैसला किया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
अमरीका के सदर जो बाइडन ने कोरोना के खतरे के पेश नज़र एक मरतबा फिर से फेस मास्क पहनने का फैसला कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक खातून अव्वल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद सदर जो बाइडन ने घर के अंदर और लोगों से मुलाकात के दौरान एहतियाती तदाबीर के तहत फेस मास्क पहनने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक सदर जो बाइडन का पीर को किया गया कोरोना टेस्ट मनफी आया और उन्हें इस बीमारी की कोई अलामत भी नहीं है। प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक अमरीकी सदर घर के अंदर और बाहर दूसरों से काफी हद तक फासला रखते हुए अपना मास्क हटा देंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रवां हफ्ते अमरीकी खातून अव्वल 72 साल जिल बाइडन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जिसके बाद पीर को 80 साल सदर जो बाइडन का कोविड टेस्ट कराया गया था जो कि मनफी आया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हालिया हफ्तों के दौरान अमरीका में कोरोना और उसके बाईस अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।